सो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक फोन दिखाने जा रहा हूँ जो सैमसंग की तरफ से आपको देखने मिलता है, सैमसंग गैलेक्सी A32। 5 मार्च को मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और अभी तक शायद से इस फोन के बारे में आप लोगों ने नहीं देखा होगा, सैमसंग गैलेक्सी A32 के बारे में। और यहाँ पर मैं मेरी बातें बताऊंगा क्योंकि इस फोन को मैंने ऑफलाइन स्टोर से परचेज कर लिया था, सैमसंग के स्टोर से जाके। ये जो फोन है आप लोगों को अभी तक किसी भी यूट्यूबर के पास इसलिए देखने नहीं मिलेगा क्योंकि इस फोन का जो एम्बार्गो है वो 6 तारीख का है। तो एक दिन पहले मैं अपलोड कर रहा हूँ, और मैं अपलोड कर रहा हूँ इसका मतलब ऐसे नहीं करूंगा, मैं आप लोगों को सच्चाई बताऊंगा। क्योंकि एक तो ये फोन हमें सबसे पहले देखने मिलता है, 22,000 रुपए का फोन है, उसके बाद में इस फोन के अंदर 5G नहीं मिलता है, 5G नहीं दिया इस प्राइस के अंदर। सैमसंग वाले क्या कर रहे हो जरा मुझे एक बार बताना। और उसके बाद में जो प्रोसेसर है ना G80, ये आप लोगों को मतलब रियलमी वगैरह के डिवाइस में देखने मिलता था और ये अराउंड कुछ आ जाता था 15,000 से 17,000 पकड़े चल लो, उस प्राइस के अंदर आपको ये प्रोसेसर देखने मिलता है। और इन्होंने 22,000 रुपए लेके डाल के 5G नहीं देना इनको, मतलब क्योंकि अभी जो 6 तारीख की जितनी भी अनबॉक्सिंग वगैरह आएगी ना वो ऐसी अनबॉक्सिंग होगी सिर्फ आपको फोन की तारीफें ही सुनने मिलेंगी, कुछ एक आध दो अच्छी अनबॉक्सिंग और रिव्यू आएगा, अच्छा ये बात भी मैं मानता हूँ, बट मोस्ट ऑफ 80% आपको सब तारीफ करते हुए और ऐसा 3 लाइन डब्बा लगाते हुए दिखने मिल जाएंगे, गिव अवे गिव अवे गिव अवे, और उसके चक्कर में आपको फोन पसंद आ जाएगा। पर ये वीडियो उन गिव अवे वाले लोगों के लिए नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसको इस फोन को लेने में कोई इंटरेस्ट है या उनको लगा होगा या ऑफलाइन स्टोर में जाके ये फोन परचेस करने का सोच रहे हैं, उनके लिए वीडियो है। तो गिव अवे वाले पक्का बोल रहा हूँ डिसलाइक करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ एक गंदा सा कमेंट भी छोड़ के जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पर अपने पैसे डाल के इस फोन को परचेस किया है और हम वही बातें बताएंगे। सो ये सैमसंग का पैकेजिंग और ये रहा हमारा बॉक्स। एक ही कलर अवेलेबल था, ये जो ब्लैक कलर था सैमसंग A32। अब देखो मैं कोई हेटर के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज अ कस्टमर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इस फोन को मार्केट में देखता हूँ तो क्या मैं इसे कंसिडर करूंगा खरीदने के लिए, वो बातें बताऊंगा आपको। 5000 mAh की बैटरी है, पर उसमें भी एक ड्रॉबैक है, जो चार्जर है ना 15 वाट का दिया है लोग ने, सिर्फ 15 वाट का 22,000 रुपए लेकर। देखो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप लोग किसी ब्रांड को सर पे बैठाओगे ना तो वो ब्रांड आपको इसी तरीके से चूना लगाएगा, ये बात समझ लो। यस, मैं मानता हूँ सैमसंग के कुछ अच्छे डिवाइस, मेरा प्राइमरी फोन भी अगर आपको मैं दिखाऊं, ये रहा सैमसंग S21 यूज कर रहा हूं प्राइमरी, 70,000 रुपए का फोन है मानता हूँ, बट 70,000 जैसा नहीं है, काम अच्छे करता है, फोटोज भी अच्छे निकाल के दे देता है, ओवरऑल अच्छा दिखता है, बट ये फोन 70,000 जैसा नहीं है, मैं ये मानता हूँ। ये फोन हमें एटलीस्ट मेरे हिसाब से इस फोन की प्राइसिंग ज्यादा से ज्यादा 45,000 तक ये फोन फिर भी ठीक था, मैं इतना कहना चाहूंगा, बट 70,000 जैसा इसका प्राइसिंग बिल्कुल नहीं है। और मिस्टर कार्टू को भी तैयार करते हैं फटाफट, ये गया पहला कट, दूसरा कट, चलो देखते हैं सबसे पहले क्या देखने मिलेगा। ओके, मस्त रैपिंग करके फोन दे दिया गया है, कुछ अलग डिजाइन है, फिलहाल बाद में चेक करेंगे। और अंदर हमें देखने मिलता है USB to Type-C का कनेक्टर केबल, और ये है चार्जर सैमसंग का एडाप्टिव फास्ट चार्जर, और बाकी कुछ नहीं है, नीचे कुछ है, एक बक्सा रह गया। इसके अंदर क्या होगा, सिम इजेक्टर टूल आ गया, इसके बाद में बुक्स है। 100-150 रुपए का ये लोग TPU कवर भी नहीं देंगे, मतलब समझ रहे हो, 100-150 रुपए का। बस मेन फोन आ चुका है हाथ में, फर्स्ट इंप्रेशन तो मैं बोल चुका हूं काफी हल्का दिख रहा है, और यहां पर इसे बाहर निकालेंगे। ओके, इसे भी बॉक्स के अंदर डालना था, इसे भी निकाल देते हैं। ऑलमोस्ट 180 ग्राम कुछ, 180 ग्राम देखने मिलता है, और वेबसाइट पे पता नहीं ये लोग ने 184 ग्राम मेंशन किया, आई डोंट नो, बट अभी मेरे इस तराजू के अंदर 180 आया था। पीछे की तरफ टोटल 4 आके हैं, यहाँ पर 3 कैमरा और एक कैमरा और LED फ्लैश और सैमसंग की ब्रांडिंग। तो यहाँ पर जो प्राइमरी कैमरा है 64 मेगापिक्सल का देखने मिलता है, उसके बाद में जो 8MP का अल्ट्रा वाइड किया है, मोस्ट ऑफ 5 आते थे ये लोग ने 8 कर दिया, 12 होता तो ज्यादा बेटर होता, बट 8 भी एक बार कंसीडर करते हैं सैमसंग की तरफ से अच्छा है। और उसी के बाद में 5MP का मैक्रो सेंसर देखने मिलता है, मैक्रो कैमरा जो छोटी चीजें को फाइंड करता है ना वो, और 5MP का आपको डेप्थ सेंसर देखने मिलता है, और फ्रंट जो कैमरा है सेल्फी शूटर वो आपको 20MP का देखने मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर बटन देखने मिलता है, लॉक बटन देखने मिलता है, और इनकी क्वालिटी भी हमें अच्छी देखने मिल जाती है। ऊपर की तरफ सेकेंडरी नॉइज माइक कैंसिलेशन देखने मिलता है, और इसके अंदर आप 2 SIM कार्ड लगा सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पर आप लगा पाओगे एक मेमोरी कार्ड। और जो वेरिएंट मेरे पास में है 6GB 128 वाला वेरिएंट है, और यहाँ पर नीचे की तरफ 3.5mm जैक पोर्ट देखने मिल जाता है, साथ ही साथ माइक है, यहाँ पर टाइप सी का पोर्ट है, और स्पीकर ग्रिल देखने मिल जाती है, और यहाँ पर आपका ईयरपीस तो ऑफ कोर्स होना ही है। बस मेरा बात यही है मानना कि जो इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स है ना, अगर वो लोग ब्रांड को शिकायत करेंगे कि नहीं भाई तुमको इस प्राइस में नहीं लाना चाहिए था, अपनी सजेशन देंगे ना अपने वीडियोस में, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम जैसे कस्टमर्स के लिए भी, क्योंकि अगर वो ही नहीं बोलेंगे,
वही अगर साइड साइड मतलब पैसा दबाते रहेंगे, मतलब ऑफकोर्स ब्रांड जो है अनबॉक्सिंग फ्री तो नहीं करवाता, या तो गिव अवे रखवाता है या फिर उनको बोलता है अनबॉक्सिंग का पैसा ले लो, वो उस चक्कर में बोलते नहीं है क्योंकि उनके पास एक आ जाती है स्क्रिप्ट और वो स्क्रिप्ट फॉलो करके आप लोगों के सामने वीडियो आ जाता है। तो बस मेरा यही है कि एटलीस्ट अगर वो ब्रांड को थोड़ा थोड़ा भी कम करके बोले कि भाई प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है तो थोड़ा सा सोच विचार करना, वो भी बहुत होता है, बट ये नहीं बोलते हैं। और यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड दोनों कनेक्ट हो रहा है और साथ ही साथ इसके अंदर ब्लूटूथ 5.0 देखने मिलता है, 5.1 नहीं 5.0 देखने मिलता है। और ऊपर की तरफ आपको ड्रॉप नॉच कैमरा देखने मिल जाता है और यहाँ पर जो चिन्ह है ना थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे। और यही जो सैमसंग गैलेक्सी A32 है ना ये बाहर लॉन्च हुआ था और वहां पर ये 5G के साथ लॉन्च हुआ है और यहाँ पर 5G के साथ लॉन्च नहीं हुआ है। और मैंने वेबसाइट पे जाके चेक किया था तो वहां पर भी मेंशन नहीं किया, यहाँ पर ये तो है कि 4G प्लस ये लेके चले जाता है। फिंगरप्रिंट देने का टाइम आ चुका है बट हाँ ये रहा। सो यहाँ पर भी हमें देखने मिलता है सिक्योर्ड बाय नॉक्स। तो चलो गाइस फाइनली स्क्रीन आ चुकी है यहाँ पर और अभी थोड़ा सा बूट बूट हो रहा है, पीछे एप्लीकेशन डाउनलोड चालू कर दिया इसने। सो यहाँ पर सैमसंग का तो फुल भर के तो वो मिलता है ये दुनिया भर का सामान, गूगल के एप्स भी पहले से प्रीलोड करके दे रहा है, उसके बाद में सैमसंग मेंबर, नेटफ्लिक्स भी है और उसी के बाद में यहाँ पर यूट्यूब म्यूजिक भी आ गया है और उसके बाद में यहाँ पर डेली हंट भी आ चुका है, फोन पे है, प्राइम भी है और सैमसंग मैक्स, स्नैपचैट भी दे रखा है लोग। सो यहाँ पर सेटिंग में आ चुके हैं, डिस्प्ले में जाते हैं और यहाँ पर आपको लाइट मोड और डार्क मोड देखने मिल जाता है और यहाँ पर जो स्क्रीन है सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलता है। यहाँ पर ऑप्शन स्क्रीन मोड भी है, विविड कलर्स है, नेचुरल कलर्स है तो विविड रखेंगे हम, और यहाँ पर मोशन स्मूथनेस है सो वो हमें देखने मिलता है। यहाँ पर नॉर्मली हाई है, यहाँ पर 90 हर्ट्ज रखा है, स्टैंडर्ड पे 60 कर सकते हैं तो हमने यहाँ पर 90 हर्ट्ज कर दिया है, जैसे आप देख पाओगे 90 हर्ट्ज स्क्रीन की रिफ्रेश रेट। तो यहाँ पर एंड्रॉइड 11 का आपको सपोर्ट देखने मिल जाता है, उसी के बाद में यहाँ पर One UI 3.1 देखने मिलता है और जितना मैंने इसे यूज किया है ना यहाँ पर थोड़ा सा गर्म हो गया, हल्का सा फील हो रहा है मुझे वार्म। पर हम स्टोरेज के अंदर आ चुके हैं और जैसे मैंने बताया 128GB वाला वेरिएंट मैंने लिया है और 26.31GB ऑलरेडी यूज्ड हो चुका है मतलब। सो यहां पर इस वीडियो को पुश करते हैं हम, देखते हैं कितना दे रहा है ऑप्शन। तो यार यहां पर HDR कंटेंट नहीं प्ले कर पा रहा, पहली बात तो 1080p 60fps दिख रहा है तो वो हम यहां पर रख लेते हैं और स्क्रीन मतलब ऑडियो फुल करते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करेंगे स्पीकर को लेकर तो ये भाई साहब नीचे वाला ही चलते हैं और कोई चलता नहीं ऊपर, ऊपर का डुअल स्टीरियो स्पीकर जैसा कोई ऐसा तामझाम नहीं है, सिंगल स्पीकर मिलता है। अगर हम यहाँ पर स्पीकर को लेकर बात करेंगे ना तो स्पीकर उतना ज्यादा लाउडर नहीं कह सकते, ठीक ठाक सा स्पीकर कह सकते हो, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं डिस्प्ले को लेकर तो भाई डिस्प्ले अच्छा है और सैमसंग का डिस्प्ले तो हमेशा अच्छा ही निकल कर आता है। और फ्रंट में और बैक साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने मिलता है, जितना मैंने वेबसाइट पे पढ़ा तो उन्होंने तो इसी तरीके से मेंशन किया। पीक ब्राइटनेस हमें देखने मिलती है वो आती है 800 निट्स की। तो देखो अभी यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी A32 को बहुत देर से यूज कर रहा हूँ, रात को मैंने शूट स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 11-12 या 1 बजे के आसपास में, फिर अगला दिन आ चुका है और यहाँ पर अभी बहुत सारी बातें पहले ही जान चुका हूँ कि क्या क्या फोन के अंदर प्रॉब्लम्स है। इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है तो सबसे पहली बात तो जो पोजिशन है ना बहुत ही ज्यादा नीचे की तरफ है, ये कम से कम यहाँ तो होना चाहिए था बट ये बहुत ज्यादा नीचे, तो यहाँ पर ये नीचे है और उसके बाद में नीचे होने के बाद तो स्लो भी है, आप देख सकते हो काफी ज्यादा स्लो देखने मिलता है, जो लैग आता है ना वो यहाँ पर ऐप ड्रावर के अंदर हमें देखने मिलता है, ये बहुत ही ज्यादा लैगी देखने मिल जाता है। लो भाई अभी यहाँ पर एक बात तो और पता चल गई कि इस फोन के अंदर हमें वीडियो रिकॉर्डर भी देखने नहीं मिला, अगर आप लोग को मिलता है तो प्लीज मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। सो अगर आप लोग यहाँ पर एंटीटू बेंचमार्क स्कोर देखोगे ना सैमसंग A32 के अंदर तो 173,672 का स्कोर आता है जो इस प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम मिलता है। और वहीं अगर हम लोग गीक बेंच 5 पर बात करेंगे तो 343 का स्कोर है सिंगल एंड मल्टीकोर पर 1261। और उसके बाद में यहाँ पर स्टोरेज को लेकर बात करूंगा तो जो रीड एंड राइट की जो स्पीड है ना कतई वाहियात है, वाहियात कह सकते हो, मतलब 22,000 में इतनी घटिया स्पीड मैं क्या ही बोलूं, पर आपको ये कोई बोलेगा नहीं है, ये देख लेना चेक कर लेना। देखो सबसे पहली बात तो ये फ्रंट फेसिंग सेल्फी है जो ओके कह सकता हूं, उतनी भी खास नहीं कुछ है और ये वाइड एंगल वो लोग गिमिक करते हैं नॉर्मली एक लेंस को और थोड़ा सा मतलब छोटा करके बाद में आपको बोलते हैं वाइड भी मिलेगा तो थोड़ा सा क्रॉप, पर पूरा डार्क डार्क
फोटो रखा है। कैमरा सीन ऑप्टिमाइजर जो होता है ना ये लोग का कैमरा के अंदर, वो भी इसने कुछ ऐसा कुछ खास काम करके नहीं दिया, पूरी काली काली और अजीब सी फोटो आई है। उसके बाद में यहाँ पर भी कुछ अच्छे से नहीं किया इसने, यहाँ पर जो बॉक्स रखा था पूरा काला हो रखा है। और ये जो फोटो पे खींच रहा था लेंस की, तो इसको फोकसिंग करने में प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं क्या, बट फोकसिंग तो मैंने नॉर्मली टैप टू फोकस किया तब जाके ये फोकस हुआ भाई साहब। और ये फोटो अगर आप अभी देख रहे हो नॉर्मल ट्यूबलाइट वगैरह चालू है, एंड में आपको इसका लाइक ट्यूबलाइट वगैरह ऑफ करके दिखाऊंगा। और इसकी भी जो फोटो थोड़ी सी शेकी देखने मिल रही है, उतने ज्यादा क्रिस्प नहीं कह सकते, थोड़ा सा हिला डुला है। और यहाँ पर ये फोटो नॉर्मल ठीक देखने मिलती है, उतनी कुछ खास नहीं है, नॉर्मल फोटो है। उसी के बाद में ये वाइड एंगल हमने कैप्चर करा है, 8 MP का वाइड देखने मिलता है इसके अंदर। उसके बाद में यहाँ पर ये नॉर्मल फोटो हमें देखने मिलती है। उसी के बाद में यहाँ पर फिश टैंक के अंदर जो प्लांटेशन पे अच्छे से ग्रीनरी वगैरह करके दे रहा है, और यहाँ पर ये फिश को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, तो थोड़ा सा 4-5 फोटो के बाद में ये एक अच्छी फोटो हमें देखने मिली। आउटडोर का थोड़ा सा फोटो था प्लांट का, और काफी अच्छी डिटेल के साथ फिलहाल देखने मिल जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट है लाइक अगेन हमने खींचा था, पीछे सनलाइट है, और पीछे थोड़ा सा इसने जब मैं फोटो खींच रहा था बहुत ज्यादा ये हो रखा था, क्या बोलते हैं, व्हाइट दिख रहा था, बट थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद में ये थोड़ी सी विजिबिलिटी अच्छे से निकल कर आती है। और ये इंडोर है, लाइट वगैरह सब ऑफ है, तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा नॉइजी देखने मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर भी इंडोर है लेकिन लाइट्स वगैरह सब ऑफ है, तो यहाँ पर एक बार ठीक आउटपुट हमें देखने मिलता है, नाइट मोड अपने आप वो ऑन कर लेता है। और यहाँ पर भी नॉर्मल फोटो है और ये वाइड एंगल पे खींची गई है, और इसका आउटपुट हमें ठीक देखने मिलता है, उतना मैं कुछ ज्यादा इंप्रेस नहीं कहूंगा। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट वगैरह बंद करने का, और ये वाइड एंगल है और यहाँ पर पूरा कुछ भी दिख नहीं रहा है, और वाइड नॉर्मल एंगल पर थोड़ा बहुत हल्की फुल्की विजिबिलिटी आई। मैंने फर्स्ट टाइम बूट करके दिखाया था आपको फोन, तो उसमें बोला था ना कि कुछ जैसे ब्लोटफेयर वगैरह ऐप आ जाते हैं फालतू के अननोन वगैरह, जैसे डेली हंट, और बाद में मैंने जब सुबह चेक किया ना तो और देखने मिल गए, ये MX टकाटक, सुपर चैट, शेयर चैट सॉरी, और मौज, और भी 2-4 थे यार, ये जोश करके पता नहीं कहां से आया। तो ये बाद में इसने डाउनलोड करना स्टार्ट किया और ये सब भी लाके इसके अंदर छोड़ दिया कि लो भाई और बजे लो इसके। 22,000 के फोन में जो हैप्टिक फीडबैक मिला है ना इस फोन के अंदर, मतलब मैं क्या ही कहूं, इतना वाहियात है, मतलब किसी काम का हैप्टिक फीडबैक नहीं है, कुछ भी नहीं वाइब्रेशन फील करवा के देता, सिर्फ साउंड आता है नॉर्मली वो टक टक, हैप्टिक फीडबैक जैसा कुछ वर्ड भी इसके अंदर नहीं है। तो गूगल कैम सपोर्ट तो कर जाएगा बट आपका रॉ सपोर्ट नहीं करेगा उसके अंदर। और वहीं पर अगर आप वाइड वन L1 को चेक करोगे तो DRM इन्फो डाला था मैंने, तो इसके अंदर वाइड वन L1 का पैच हमें देखने, मतलब सिक्योरिटी देखने मिल जाती है। तो जो ऑनलाइन कंटेंट है ना Amazon प्राइम पे और बाकी सब जगह, वहां पर आप HD के अंदर अपना कंटेंट एंजॉय कर पाओगे। तो अराउंड 32.8 डिग्री सेल्सियस देखने मिल जाता है। और ओवरऑल अगर टेम्परेचर गन से भी आपको दिखाऊं बैक साइड में, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया था सबसे ज्यादा गर्म यहां पर हो रहा था, 35 अभी फिलहाल देखने मिल जाता है, 34 के आसपास है। और यहां पर कुछ TDM के अंदर जो पहली बात तो देखो FPS कितने मिलते हैं आपको यहां पर, तो स्मूथ प्लस अल्ट्रा के अंदर यानी कि 40 FPS की गेमिंग आप सिर्फ ले पाओगे, और बैलेंस पर भी अल्ट्रा और HD के अंदर हाई और HDR नहीं होगा। तो अल्ट्रा के अंदर हम लोग गेमिंग कर रहे थे, और जायरो यहां पर सबसे पहली बात अच्छा है, जायरो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिले जैसा दिखने नहीं मिलता, टच इशू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम आती है TDM में भी 40 FPS नहीं रख पा रहा ढंग से, 33 के आसपास या 30 के आसपास आ जाता है। देखो 33 पे FPS आ गए TDM के अंदर ही, वो भी बैठे। देख सकते हो 33-34 FPS, मतलब TDM में FPS ड्रॉप मार रहा है, आप लोग खुद ही देख लो, मैं तो अभी क्या ही बोलूं। FPS जायरो भी मैंने अच्छी खासी हाई सेंसिटिव पे रखी है, बट फिर भी उतना अच्छे से आउटपुट नहीं है फिलहाल के लिए। तो कौन था रे, कहाँ से मारा, ये देखो, ओहो 29 FPS, समझ रहे हो 30 FPS, अरे भर दिया तुमने तो 31-29 FPS, मैं बोला ना TDM के अंदर भी FPS ड्रॉप मार रही है, और जायरो भी जल्दी से मूव नहीं करता एक तो। ओहो भर दिया रे, और हाथ में A32 ही है और कोई दूसरा डिवाइस नहीं है, तो देख लो, तो बाद में ऐसा नहीं बोलना चाहिए।
गेमिंग तो इसके अंदर उतनी अच्छी तरीके से रेकमेंड बिल्कुल नहीं है, गेमिंग आप इसके अंदर नहीं कर पाओगे। 40 FPS में ये 30 FPS का ड्रॉप मार दे रहा है तो फिर क्या ही बोलूं, तो गेमिंग तो बिल्कुल नहीं है। और एक्चुअली इस फोन का मेरे को समझा नहीं है क्यों A32 आया ही क्यों, ना ये 5G लेकर आया, 60 FPS की रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, 4K तो चलो छोड़ दो, 60 FPS की रिकॉर्डिंग नहीं ले सकते हो आप लोग, UI में दुनिया भर के लैग मिल रहे हैं, जो स्टोरेज वाला पार्ट है वो भी आपको थका हुआ मतलब बहुत ही कमजोर देखने मिलता है, एंड्रॉइड बेंचमार्क पर भी उतना कुछ अच्छे से स्कोर निकाल के नहीं दे पा रहा है, तो ये फोन है क्यों। और स्पीकर भी इसका उतना कुछ खास नहीं था। ये फोन मेरे हिसाब से 22,000 का ना होके 15,000 से 17,000 तक का होना चाहिए था, इतना मैं समझ के चलता हूँ। मेरा देखो सिंपल कहना यही है कि मैंने इस फोन को अपने जेब से परचेस किया है, अगर मुझे पर्सनली फोन खरीदना होता ना तो मैं कभी नहीं खरीदता ये फोन। मैं आपको इतना कहूंगा कि इस फोन पे मैंने इसलिए परचेस करके बताया कि आप लोग शायद इस फोन को, क्योंकि जो कल मैंने जैसे कहा जो वो पेड़ वाले वो भर भर के वीडियोस आने वाले ना वो आएंगे और वो उसमें आपको बताएंगे कि अच्छा फोन है एंड ऑल वगैरह, जा सकते हो, ध्यान रखना एक बात मेरा वीडियो देख के। और जो इस वीडियो पे डिसलाइक वगैरह आएगा ना, वो जो गिव अवे वाला पब्लिक होता है ना, या उनको गिव अवे में देना रहता है, या फिर जो सैमसंग के फैन बॉय है, वो सारे लोग आके डिसलाइक मारेंगे। देखो फैन होना जरूरी है, मैं भी हूँ, मैं भी सैमसंग का फैन हूँ, A21 यूज करने के बाद में मुझे काफी अच्छा लगा है फोन। आप फैन बनोगे ना तो कोई लॉजिक नहीं है उस चीज को लेकर, क्योंकि फिर ब्रांड आपको कुछ चूना लगा के बेचेगा, लो भाई ले लो चूना ले लो, आप बोलोगे नहीं सोने का है, सोना है सोना है, मतलब नहीं है ना। आप लोग क्रिटिसाइज करोगे, मुझे नहीं पता बड़े लोग करेंगे कि नहीं करेंगे, बट आप लोग एटलीस्ट क्रिटिसाइज करोगे ना तब जाके ब्रांड थोड़ा सुधरेगा, समझ जाओ यार। बाकी गाइस अगर आप सैमसंग का फोन पसंद करते हो तो F60 लो, अच्छा मिल जाएगा। अनबॉक्सिंग से ज्यादा कंप्लीट रिव्यू समझ के चलो इस फोन को, क्योंकि रिव्यू से ज्यादा ही मैंने कह दिया है। कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, और जो मेरी बात थी वो आपको कैसी लगी वो भी बताना, और नीचे मैंने कमेंट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन पिन किया होगा तो वो क्वेश्चन का भी रिप्लाई दे देना। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को, क्योंकि ब्रांड तो फोन नहीं भेजेगा ये वीडियो देखने के बाद, तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो ही मैं नेक्स्ट फोन मतलब सैमसंग की जल्दी मैं खरीदता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो ओवर प्राइस्ड होते हैं। तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे सब्सक्राइब करके तो मैं नेक्स्ट सैमसंग के दूसरे जो और डिवाइस है उनको कवर अप करूंगा। बाकी गाइस मिलूंगा आपको और भी इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। सो दोस्तों आज की इस टेक की पाठशाला में मेरी तरफ से बस इतना ही।